इससे बेहतर होता कि श्रीलंका की जो टीम थी वो आज मैच खेलने ही ना जाती, क्योंकि बॉलिंग तो सिर्फ मधुशंका ही करने गए थे और फिर बैटर्स तो ऐसे ही गए थे कि जाएं ग्राउंड का चक्कर लगा के और फिर वापस चले जाएं, यानी कि 55 पे ऑल आउट हो गए हैं और ना ही किसी भी प्लेयर ने 500 पे आउट हो गए हैं। श्रीलंका के प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स जो है 0 पे आउट हो गए, इसके अलावा किसी प्लेयर ने जो है वो 15 भी रन स्कोर नहीं किए हैं। इस बैटर के ग्राउंड के चक्कर लगाने से बेहतर था आप लोग जाते ही ना, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी आप लोगों को। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या शानदार बॉलिंग की है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए हैं इंडिया के प्लेयर्स। विराट कोहली के 88 रन्स और शुभमन गिल भी आज अच्छा खेले हैं, 92 रन्स स्कोर किए हैं। हाँ, कप्तान ने तो अच्छा नहीं खेला रोहित शर्मा ने, लेकिन इंडिया का कुछ सीन ऐसा है कि अगर एक प्लेयर नहीं चलता है तो फिर उनका मिडल ऑर्डर लाजम चलता है और फिर टेल एंडर्स भी इंडिया के कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। जिस तरह से हम इंडिया की टीम को देखते आ रहे हैं, बड़ी बैलेंस टीम जो है इंडिया की नज़र आ रही है। और फिर कहा जाता था कि इंडिया की टीम जो है वो बॉलिंग में बड़ी है, बैटिंग में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग लाइन उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग भी प्रूव करते जा रहे हैं दिन ब दिन, और ज़बरदस्त जो है हमें बॉलिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर आज तो मोहम्मद शामी ने कमाल कर दिया है, एक बार फिर 5 विकेटें अपने नाम कर दी सिर्फ 18 रन देकर। और फिर अगर सिराज की बात करें तो सिराज भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी 3 प्लेयर्स को आउट किया, यानी कि इतनी ज़बरदस्त मैच जो है आज खेला गया है इंडिया की जानब से, बॉलिंग साइड से और बैटिंग साइड से, यानी कि कमाल कर दिया है। इंडियन प्लेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एक प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है तो हम देखते हैं कि इंडिया ने इस तरह बैकअप अपना रेडी किया हुआ है कि अगर कोई इंजर्ड भी होता है तो उसकी कमी दूसरे प्लेयर आके पूरी करते नज़र आते हैं हमें। जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा, एशिया कप में भी इंडिया की टीम को देखते आ रहे हैं, और फिर हमने देखा कि जिस तरह से आज का मैच भी जो है हमने देखा है, और फिर वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से हम लोग इंडिया टीम को देखते आ रहे हैं कि अनस्टॉपेबल ये टीम नज़र आ रही है और अनबीटेबल ये टीम नज़र आ रही है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलती हुई नज़र आ रही है, अपने घर में ही शेर की तरह दाड़ रही है। हालांकि इंडियन टीम वो टीम में कहीं और भी जाती है तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देती हैं, लेकिन इस बार हम जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, इंडियन टीम बड़ी ज़बरदस्त जो है वो खेल का मुजाहरा करते हुए आगे आ रही है। और इंडियन टीम पहली टीम है जो क्वालिफाई भी किया हुआ है इंडियन टीम ने सेमीफाइनल के लिए। और फिर मतलब आज क्या कमाल की बैटिंग प्लस बॉलिंग नज़र आई है इंडिया की जानिब से। और आज लास्ट मैच भी हमने देखा था जो फाइनल हुआ था श्रीलंका का और इंडिया का, उसमें भी इतनी जल्दी आउट हो गए थे। और आज आप लोग बदला लेने के बजाय आप लोगों ने वही रवायत बरकरार कर रखी और 55 पे ही ऑल आउट हो गए। सो बेटर है भाई नहीं आते इंडिया के अगेंस्ट, आज भी नहीं आते। वेल, इंडिया रियली ओसम क्रिकेट, जिस तरह से आप लोग तो खेल रहे हो बड़ा मज़ा आ रहा है इंडियन टीम को देखते हुए। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है इंडिया के साथ, तो होप के पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छी फाइट करे इंडिया के लिए, सो जीत जाए।